आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो इशू हो गया है वो हम भेज देंगे कि कराची पूरी डिवीज़न और हैदराबाद का एक डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें जो है वो जो हम पहले नोटिफिकेशन जिसमें तयन किया गया था वो विड्रॉ कर दिया गया। तो इस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट दादू मैंने बताया कि सैलाब की वजह से उसके लिए हमने इलेक्शन कमीशन को लिखा है, बाकी जो सेक्शन 10(1) का जो है वो हमने कराची पूरी डिवीज़न और हैदराबाद एक डिस्ट्रिक्ट जो है उसके लिए। कराची डिवीज़न और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में बल्दियाती इंतखाबात 34 बार मुलतवी। एमकेएम के हल्का बंदियों पर एतराज़ात, दादू मेहर में सैलाबी पानी की मौजूदगी वजह बनी। सिंध काबीना के इजलास के बाद शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से बातचीत, कहा सिंध में करदम जमात की जानिब से धमकी भी मौसूल हुई है, इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है, हल्का बंदियों के हवाले से नोटिफिकेशन वापस ले लिया। सिंध हुकूमत ने आईन और कानून को मजाक समझ लिया है, झूठ बोलने में पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना इंतहाई दुश्वार है। रहनुमा पीटीआई अली जैदी की बोलियों से बातचीत, कहा इलेक्शन के लिए इत्तेहाद बनते हैं, एमकेएम ने इंतखाबात रुकवाने के लिए इत्तेहाद बनाया। खुर्रम शेख जमान की शदीद तनकीद, कहा सिंध हुकूमत अवाम के हकूक खस्प करने में माहिर है, तहरीके इंसाफ हर फॉरम पर फैसले के खिलाफ एहतजाज करेंगे। विषय नहीं है, मैंडेट का कब्जा है जी। और ये पीपल्स पार्टी और एमकेएम ने एक मतलब फिर कराची पर कब्जा किया है और एमकेएम प्रेशर की तरह कराची को बेचा है, बेचने का ही अमल है। कराची हैदराबाद के अवाम के मैंडेट को चुराने की साजिश हो रही है। सिंध हुकूमत के फैसले के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज का ऐलान, रात की तारीख में शबखून मारा गया, अवाम के खिलाफ सब मिल गए हैं, 3 करोड़ शहरियों का मैंडेट चुराने नहीं देंगे। हाफिज सैमुर रहमान की बोलियों से बातचीत, कहा एमकेएम और पीपल्स पार्टी की साजिश शहरियों से मिलकर नाकाम बनाई। मुत्तहिदा का वफ़द वज़ीर आला हाउस पहुंच गया, बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध से मुलाकात, बल्दियाती इंतखाबात के अल्तवा और हल्का बंदियों पर बातचीत, इंतखाबात मुलतवी करने और हल्का बंदियों का नोटिस वापस लेने पर इत्मीनान का इजहार, हल्का बंदियां जल्द मुकम्मल करके नई तारीख देने और वर्किंग रिलेशनशिप जारी रखने पर इत्तेफाक हो गया। पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी गवर्नर पंजाब को मौसूल, गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का ट्वीट, समरी मौसूल होने की तस्दीक कर दी। लाहौर में इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास से मरकजी क़यादत ने असम्बली फौरी तहलील करने की राय दी थी। चेयरमैन पीटीआई से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जमान पार्क में मुलाकात, असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत किए। चौधरी परवेज इलाही साहब ने जो पंजाब असम्बली की तहलील की एडवाइस है उस पर दस्तखत कर दिए और पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया गया है। इसी फॉर्मेट के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है उसको भी तहलील कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ का 48 घंटे में पंजाब असम्बली तहलील करने का ऐलान, जमान पार्क में इमरान खान और परवेज इलाही की मुलाकात में हतमी फैसला हुआ। फवाद चौधरी का कहना था कि परवेज इलाही ने असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं, 2 दिन बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील होगी। पंजाब में निगरा वजीर आला पर मुशावरत के लिए 48 घंटों में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को खत लिखेंगे, 90 दिन में पंजाब और केपी में इंतखाबात होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील के लिए इमरान खान ने केपी क़यादत को तलब कर लिया है, जमान पार्क में आज जहां मुशावरत होगी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी इजलास में शरीक होंगे। केपी हुकूमत के मामले खसूसी बैरिस्टर सैफ का कहना है कि इसी पैटर्न पर जाएंगे जिस तरह पंजाब असम्बली की तहलील का फैसला हुआ है, पंजाब असम्बली की तहलील होते ही खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली तहलील का अमल शुरू होगा। बड़ी खबर सबसे पहले नंबर 1 चैनल पर, बोलने आम तरीन खबर सबसे पहले देने की रिवायत बरकरार रखी, बोलने सबसे पहले बताया, तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब असम्बली तहलील करने का फैसला कर लिया गया, बोल की खबर बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई, तहरीक इंसाफ ने वही ऐलान किया जो बोलने बताया था। दिन की सबसे बड़ी खबर बोलने ऐलान से कई घंटे पहले नशर कर दी थी।
गवर्नर पंजाब ने एतमाद का वोट तस्लीम करते हुए परवेज इलाही को वजीर आला मान लिया, डीनोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया। वकील ने लाहौर हाईकोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने वजीर आला की दरख्वास्त बराबर करार देते हुए निपटा दी। रिमार्क्स ये कि सब कुछ आइन के मुताबिक हो गया, ये केस की समाप्त ही का नतीजा है। डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन वापस हुआ। कहता था बंदे पूरे हैं, ये मजाक उड़ाते थे, इनका बुरा वक्त कल परसों से शुरू हो जाएगा। रहनुमा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की बोली, उसके प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा फरे गदागरी के माहिर दुनिया में भीख मांग कर रुस्वा हो रहे हैं। 100 दिनों में इलेक्शन का शेड्यूल आ जाएगा, पंजाब में इन्हें ख्वारी हुई है, काम खत्म हो गया। सिंध में इमरान खान खुद इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। सदर आरिफ अलवी की मुआशी हालात पर तशवीश, कहा सियासी जमातों ने बातचीत का आगाज ना किया तो हालात मजीद खराब हो सकते हैं। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि हुकूमत पीटीआई से बात में टालमटोल कर रही है, चंद माह से इलेक्शन के आगे पीछे होने का फर्क है तो वो भी बातचीत से तय कर ले। मजीद बोले कि मौजूदा फौजी क्यादत और इमरान खान के दरमियान वो कोई डायलॉग नहीं करवा रहे। इस सारी चीजों का फैसला करके आज मुस्तफा कमाल और उसके साथी आज एक और हिजरत करने आए हैं, और वो हिजरत हम पाक सरजमीन पार्टी से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ कर रहे हैं। एमक्यूएम के 3 धड़ों का इंजमाम, पाक सरजमीन पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में जम हो गई। एमक्यूएम बहाली कमेटी के सरबरा फारूक सत्तार भी वापस मुत्तहिदा में शामिल हो गए। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी क़यादत पर एतमाद का इजहार, 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने देंगे। मुत्तहिदा रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीवी से झगड़ा, सजा बच्चों को। मनोड़ा के करीब बाप ने अपने 2 बच्चों को समंदर में डुबो दिया, उम्र 9 और 5 साल है। सफाक शख्स गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। काशिफ रजा मेल नर्स और ईसा नगरी का रिहायशी है। वनडे सीरीज जीतने का अजम, बाबर 11 आज तीसरे और आखिरी मार्के में किवीज के मद्दे मुकाबले आएगी। टाकरा दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। दूसरे मैच में 79 रन से शिकस्त, 262 रन के ताकुब में पाकिस्तान 182 रन पर ढेर हो गया था। सीरीज 1-1 से बराबर है। और पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में धुंध ने पहिया जाम कर दिया है, ट्रेनों की रफ्तार में नुमाया कमी है। लाहौर पेशावर फैसलाबाद और मुल्तान एयरपोर्ट्स पर धुंध के बायस मुल्की और बैन अक्वामी परवाजें मनसूख या ताखिर का शिकार। शहरियों को घर से निकलने से पहले परवाजों के औकात मालूम करने की हिदायत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशन की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।